वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवः ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः लब्ध्वा कथं चिन्नर जन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनं यस्त्वात्ममुक्तौ नयते तमूढधीः स ह्यात्महास्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात् इतः कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदादिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले प्रवचन में विवेक चूड़ामणि का एक संक्षिप्त परिचय हमने विचार किया। आज हम उसको प्रारंभ करते हैं। आप लोग साथ में पुस्तक खोल के रखेंगे। चैंटिंग हो गई है लेकिन मैं उसको एक बार पढ़ूंगा मंत्र को, फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्मि अहम्। जैसा कि हमेशा ही एक परंपरा के अनुसार होता है, हर ग्रंथ में प्रवेश करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। यहां पर भगवान शंकराचार्य मंगलाचरण करते हैं। इसका मतलब हुआ अहम् प्रणतोस्मि, मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? हमारे जो सद्गुरु गोविंद है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। वे कैसे हैं? अगोचरम, अगोचर इंद्रियों के द्वारा जिनको जाना नहीं जा सकता है,
और उनको जानने का माध्यम एकमात्र समस्त वेदांतों का जो सार है, सार के रूप से उनको जाना जा सकता है। अर्थ एक बार और समझ लीजिए। मैं नमस्कार करता हूं अपने सद्गुरु को, जिनको कि गोविंद पाद नाम से जाना जा सकता है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जिनको समस्त वेदांतों के सार के रूप में उपनिषदों के द्वारा जाना जा सकता है। यह जो मंत्र है मंगलाचरण के रूप में भगवान शंकराचार्य ने अपने गुरु को नमस्कार किया, यह हमारी एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है कि किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने के पहले, किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले हम एक मंगलाचरण करते हैं, मंगल आचरण करते हैं। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने मंगलाचरण किया। यह मंगलाचरण हमेशा से ही किया जाता रहा है, उपनिषदों में भी इस प्रकार का मंगलाचरण किया जाता रहा। ये केवल एक परंपरा नहीं, इसका अपना एक महत्व है। इससे बात समझ में आती है कि हमारा विश्वास एक उस चीज के ऊपर में है जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जिसकी सत्ता है। हम उसके लिए सम्मान प्रकट करते हैं। जो इंद्रियों का विषय नहीं है लेकिन है, जो कुछ हम इंद्रियों से देखते हैं सब कुछ यही नहीं होता है। ऐसी बहुत सी आगे पदार्थ होते हैं जो इंद्रियों का विषय नहीं होता। इस मंत्र के अर्थ के रूप में हम दो तरह से विचार कर सकते हैं कि भगवान शंकराचार्य अपने गुरु को नमस्कार के रूप में दो चीजें हैं, गोचरम अगोचरम। गोचर का अर्थ होता इंद्रियों का विषय। संस्कृत में गोचर अगर गो मतलब इंद्रियां, चर का अर्थ होता विषय, इंद्रियों का विषय। तो भगवान गौड़पाद जो कि शंकराचार्य जी के गुरु थे वो गोचर है, वो मनुष्य के शरीर में है, शंकराचार्य जी के सामने है। शंकराचार्य जी भगवान गौड़पाद के साथ बैठ करके बातें कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। एक गुरु का जो रूप है वह गोचर है, जो आपको दिखाई पड़ता है, आपके अनुभव में आता है। गोविंद पाद का एक स्वरूप है गोचरम, दिखाई पड़ने वाला, और दूसरा अगोचरम, अदृश्य, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां जहां तक नहीं पहुंचती है, मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती है, ऐसा जो उनका स्वरूप है उसको बोलेंगे अगोचर। तो एक ही गुरु के यहां दो स्वरूप मान करके दोनों स्वरूपों के प्रति भगवान शंकराचार्य एक अपना आदर प्रकट करते हैं कि एक हमारे गुरु का जो स्वरूप है गोचरम, दिखाई पड़ता है, एक होता अगोचरम,
हो सकता है जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ आपको व्याख्यान, आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा हो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ के ही आए हो, लेकिन आप इस तरह से इसकी व्याख्या समझिए कि गुरु का एक मनुष्य का शरीर है जो गोचर है। भगवान शंकराचार्य उनको भी नमस्कार करते हैं, गोचरम, और दूसरा अगोचरम। अब वो जो मनुष्य के रूप में गुरु है, वास्तव में इतना ही उसका स्वरूप नहीं है। बहुत से लोग अपने जीवन में बड़ी भूलें ये कर देते हैं कि वे गुरु को एक शरीर तक सीमित रख लेते हैं, उनका शरीर ही उनके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है बहुत स्पष्ट है कि गुरु का मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर के अंदर में गुरु है, उनका आदर, उनका सम्मान, उनसे ही आपको गाइडेंस मिलना है, उन्हीं से आपको अनुशासन मिलना है, उन्हीं से आपको सब चीजें मिलनी है, लेकिन इतना ही उनका स्वरूप नहीं है। तो अगोचरम, उनका दूसरा स्वरूप अगोचर, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा स्वरूप गुरु का कैसे जाना जाएगा? तो शंकराचार्य जी लिखते हैं सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर, वो उनके गुरु उस स्वरूप को जानना है। यदि गुरु के उस स्वरूप को जानना है तो आपको वेदांत के द्वारा, वेदांत का जो सार है, वेदांत का जो मतलब है, उपनिषदों के द्वारा ही उस स्वरूप को कोई साधक, कोई व्यक्ति जान सकता। तो शंकराचार्य कहते हैं हम भगवान शंकर जो गुरु है उसके मनुष्य रूप को भी नमस्कार करते हैं, और जो उनका अंतिम स्वरूप है उसको भी नमस्कार करते हैं। अब जब मनुष्य के शरीर के रूप में गुरु है, उनका जो नमस्कार है, उनका जो सम्मान है, उसका एक अलग तरीका है, और जो उनका अंतिम जो स्वरूप है उसका एक अलग तरीका है, और वो तरीका है वेदांत के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा उसको जान लेना। इस तरह से इस श्लोक को आप ऐसे समझेंगे, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्मि हम, मैं सद्गुरु को प्रणत होता हूं, उनको नमस्कार कर। अगले मंत्र में देखें, इसके बाद नंबर सेकंड है, जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्तम ततो विप्रतः तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परतः विद्युत्तम अस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिरनो सत जन्म कोटि सुकृतिः बिना लभ्यत। इसका अर्थ देखिए, मंगलाचरण करने के बाद अब भगवान शंकराचार्य आगे बढ़ते हैं। जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम, जन्म लेने वालों के लिए मनुष्य का शरीर बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता, और उसमें भी ततो पुंस्तम, उससे भी ज्यादा कठिन काम है कि उनको मनुष्य का शरीर के साथ में पुरुष का शरीर मिले, और उसके उससे भी कठिन है उनके अंदर में विप्रता है, उससे भी कठिन है वैदिक जो धर्म है उस मार्ग के प्रति एक निष्ठा बने, और उससे भी कठिन काम है विद्युत्तम, उसमें विद्वता होना, और उससे भी कठिन है आत्मा अनात्मा का विवेक होना, उससे भी कठिन है उसका अनुभव होना, उससे भी कठिन है ब्रह्मात्मना स्थिति, ब्रह्मा में आत्मा में अपनी स्थिति होना। ऐसी जो मुक्ति है,
वह सैकड़ों जन्मों के करोड़ों जन्मों के पुण्य के बिना यह संभव नहीं है। अर्थ आप फिर समझ लीजिए, जंतुनाम नरजन्म दुर्लभम, ये मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य के साथ मन पुरुष का शरीर मिलना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है एक विप्रता, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है वैदिक धर्म के प्रति बहुत आस्था होना, वैदिक धर्म मार्ग पर, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्युत्तम, उसके अंदर में समझ आ जाना, और उससे भी ज्यादा आत्मा अनात्मा का विवेक होना, फिर स्व अनुभव होना, ब्रह्म में स्थिति होना। इस प्रकार से मुक्ति का जो मार्ग है वह करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य के बिना संभव नहीं है। मंगलाचरण भगवान शंकराचार्य ने किया। मंगलाचरण करने के बाद, वो औपचारिकता पूरी करने के बाद, अब शंकराचार्य अपनी बात को कहने के लिए आगे बढ़े। जंतुनाम नरजन्म दुर्लभम, इस मंत्र के अंदर में, इस मंत्र के अंदर में भगवान शंकराचार्य ने प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक एक साधक की यात्रा कैसी होती है, एक जीवात्मा किस प्रकार से ब्रह्म स्थिति तक पहुंचता है, इस मंत्र के अंदर में भगवान शंकराचार्य ने सब बातों को बता दिया। प्रारंभ करते हैं, जंतुनाम नरजन्म दुर्लभम। जंतु का अर्थ होता है जो कोई जन्म लेता है, जंतु का अर्थ जो कोई भी जन्म ले, जो कोई भी जन्म लेता है वो सब जंतु को ले जाता है। जीवों को जन्म तो मिलता है, हर जीव को जन्म मिल रहा है, जो भी जन्म लेता है, जो भी शरीर लेता है वो सब के सब जंतु। यहां से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब इसमें हमारे ऋषियों ने लिखा है 84 लाख प्रकार के शरीर, 84 लाख तरह के शरीर, और उन सभी शरीरों में जीवात्मा को जाना होता है। या तो कोई इतना पुण्यवान हो, ऐसा कोई साधक हो कि मनुष्य का शरीर छोड़ा और तुरंत मनुष्य का शरीर मिल जाए, यदि ऐसे पुण्य नहीं है तो उस जीव को 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, जो शरीर हैं, उन सभी शरीरों के अंतर्गत जाना पड़ता है। किसी किसी शरीर की जो उम्र है, आयु है, हजारों वर्षों में होती। शास्त्रों के हिसाब से सब शरीर है, सूर्य का भी शरीर है, चंद्रमा का भी शरीर है, ग्रह नक्षत्र पत्थर सब शरीर, इन शरीरों में कोई न कोई जीवात्मा निवास करता है। तो 84 लाख शरीर है, इन शरीरों के उत्पन्न होने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो वो जीवात्मा जिसके पुण्य बहुत नहीं है, उस जीवात्मा को पहले पूरे के पूरे सब शरीरों में चक्कर लगाना पड़ता है, और जब उसके चक्कर पूरे हो जाते हैं, अपने कर्मों को भोग लेता है, उसके बाद में परमात्मा ईश्वर भगवान उसको एक और अवसर देता है मनुष्य के शरीर के रूप में। सब योनियां भोग ली,
फिर एक और अवसर देता है। मनुष्य को छोड़कर के जितने भी शरीर हैं वे सब के सब कहे जाते भोग योनि, वे केवल भोग सकते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो ज्ञान होगा, या तो सुख का होगा या दुख का होगा। सुख और दुख दो ही तरह के ज्ञान उनके अंदर में हो सकते हैं। और कोई नया कुछ कर नहीं सकता। मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर में एक ऐसा गुण है कि वह भोग भी सकता है, सुख और दुख का अनुभव भी कर सकता है, और साथ में कुछ नया कर भी सकता है। शास्त्रों में लिखा है, जब ब्रह्मा सृष्टि बनाने लग गए, सृष्टि बनाते समय उन्होंने बहुत तरह की सृष्टि बनाई, बहुत तरह की सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, 84 लाख, सब शरीरों का ब्रह्मा जी निर्माण करते रहे करते रहे। लेकिन ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी को खुशी दी, सब कुछ बना दिया, देवताओं का शरीर भी बना दिया, पेड़ पौधे भी बना दिए, लेकिन ब्रह्मा जी खुश नहीं हुए। उनको लगा कि जो मैं करना चाह रहा हूं वो हुआ नहीं। आखिर में उन्होंने ये निर्माण आगे बढ़ाते बढ़ाते मनुष्य के शरीर को बनाने में सफलता प्राप्त कर, और जैसे ही मनुष्य का शरीर उन्होंने बना लिया वो बहुत खुशी हो, वे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि जो मैं करने के लिए कोशिश कर रहा था वो अब हो गया। इस शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको देख करके ब्रह्मा जी खुश हो गए? वहां लिखा है ब्रह्मा जी इसलिए खुश हो गए, इस शरीर के अंदर एक ऐसी योग्यता है, इस शरीर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, इस शरीर के द्वारा ही कोई मनुष्य ब्रह्म तक पहुंच जाता है। यह मनुष्य का शरीर प्रथम सीढ़ी है, यह मनुष्य का देह अध्यात्म के लिए प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना किसी का भी अध्यात्म प्रारंभ नहीं हो सकता, और इसी के द्वारा वो व्यक्ति, वो साधक अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता। यह योग्यता, यह गुण और किसी भी देह में, किसी भी शरीर में संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए। मनुष्य का देह, पहली कंडीशन, पहली शर्त मनुष्य का देह। अब दूसरी बात आई, मनुष्य का देह मिल गया, दुनिया में आज अरबों अरबों मनुष्य है। उन मनुष्यों के साथ में फिर दूसरा एक गुण जो लाना पड़ता है साधक को, वो हो गया पुंस्तम। पुंस्तम का अर्थ यहां पर जेंडर से नहीं है, स्त्री शरीर पुरुष शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। पुंस्तम का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा, ऐसा जीव जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, ये डिसीजन ले सके, जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, जो अपने को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कर ले, जिसके अंदर एक क्षमता हो एक निर्णय ले सकने की और उस पर चलने की, ऐसा जो पावर है, ऐसी जो क्वालिटी है, ऐसी जो चीज, वो यहां पर मनुष्यत्व के द्वारा, क्योंकि वेदांत में साधक के लिए मोक्ष की प्राप्ति, साधक में कोई जेंडर का यहां पर भेद नहीं है। ऐसी एक मानसिकता, एक ऐसा विचार जिसके अंदर निर्णय करने की क्षमता और उसको पालन करने की क्षमता हो, मनुष्यत्व।
जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम ततो पुंस्तम। एक ऐसी ऐसी दृढ़ शक्ति उसके अंदर में आ जाए, एक ऐसा निर्णय करने की ताकत हो जो डिपेंड नहीं हो किसी पर। यहां पर भगवान भाष्यकार ने लिखा, कोई मनुष्य है, कोई पुरुष है, जो व्यक्ति किसी तरह से किसी पर उसके बाद में विप्रता, विप्रता का अर्थ होता है विद्वान, एक सात्विक भाव, एक सात्विक भाव आपके जीवन में, साधक के जीवन में एक सात्विक भाव होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने सात्विक पर, सात्विक गुण पर बहुत चर्चा की हुई है कि उस साधक के चित्त के अंदर सात्विक भाव हो, जीवन सात्विक हो, विचार सात्विक हो। तो जब आपके अंदर एक सात्विक भाव है, एक सात्विक विचार है, तो आपका मन शांत होगा, आपका मन शांत होगा तो आप विचार कर सकते हैं। जिसके जीवन में सात्विकता है, विप्रता है, अब उसके बाद इतनी तैयारी होने के बाद, इतनी तैयारी होने के बाद तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता। तो पहले तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में भी उसके अंदर में जो मैं हूं ऐसे निर्णय लेने की क्षमता वो बड़ी कठिन है, वो भी प्राप्त हो जाए, फिर जीवन में सात्विक भाव आ जाए, आपका जो धर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, आप उसको करते रहेंगे, फिर वैदिक धर्म मार्ग परता। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, उससे भी ज्यादा कठिन काम है वैदिक धर्म। साधक के मन में इच्छा है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तैयार भी है, लेकिन जाए किधर, कौन से शास्त्र को माने। और अभी तो बहुत कठिन है, बाजार है, मीडिया है, इस तरह से लोग प्रोपगेट करते हैं चीजों को कि कोई भी साधक बहुत ही भ्रमित हो जाए, कोई भी साधक भ्रमित हो सकता है। उन सब चीजों के अंदर में से बहुत ही रेयर चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है उस व्यक्ति को वैदिक धर्म मार्ग परता। इन सब मार्केट के अंदर में, सब प्रचार के अंदर में उसका कोई ऐसा भाग्य हो, उसके जीवन में कोई ऐसा पुण्य हो, भगवान की कृपा हो कि वह जो उपनिषदों का सिद्धांत, उपनिषदों का सिद्धांत उसके ऊपर में दृढ़ हो जाए, उसके ऊपर में दृढ़ हो जाए, उसको सुनने को मिल जाए। शास्त्र बोलते, इसको शास्त्र की कृपा बोलते। तो साधक तैयार है, लेकिन साधक को एक सही रास्ता मिलना चाहिए, एक सही निर्देश मिलना चाहिए, सही शास्त्र सुनने को मिलना चाहिए, और उस सही शास्त्र के रूप में उसको वैदिक धर्म मार्ग परता, उसको उपनिषदों का सिद्धांत मिलना चाहिए। वो मिल गया, यह है बीच, वैदिक धर्म मार्ग परता। अच्छा, शास्त्रों का, अब उसके बाद विद्युत्तम अस्मात् परम, शास्त्रों का मिलना हो गया, आपको उपनिषद मिल गए, आप मार्केट से ले भी आए, आपने पढ़ भी लिया, लेकिन अभी भी चीजें बहुत आगे बढ़ने की है। इसका नाम दिया शंकराचार्य जी ने विद्वत्तम। विद्वत्तम का अर्थ यहां पर ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा विद्वान है, शास्त्र सबको याद है, यहां विद्वत्तम का अर्थ हुआ श्रवण, कि किसी मास्टर से, किसी गुरु से, किसी सदगुरु के पास बैठ करके। तो ये पूरी यात्रा पहले करता हुआ मनुष्य का जन्म मिला, निश्चय करने की क्षमता मिली, सात्विक जीवन मिला, वैदिक धर्म में निष्ठा हुई, और उसके बाद किसी सदगुरु के पास बैठ करके उस शास्त्र को श्रवण मिला। श्रवण विद्वत्तम, विद्वत्तम उसको ठीक से बैठ करके सुनने का अवसर मिला, गुरु ने सुनाया और उसने उसका श्रवण किया।
श्रवण। उसके बाद है विवेचनम, आत्मा अनात्म विवेचनम। श्रवण करते समय आप केवल श्रवण करते हैं, केवल सुनते हैं, जो भी गुरु ने बताया एक्सेप्ट करते हैं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने सब श्रवण किया और उसके बाद विवेचनम, वो सुनने के बाद अब आप विवेचन करें, विचार करें। इसको आप वेदांत के दूसरे तरीके से समझते हैं, उस समय इसका नाम होता है मनन, विचने। आप विचार करिए सत क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीजों का विचार करिए, अच्छी तरह विचार करिए। आप अपने तर्क लगाइए, आपके अपने तर्कों के द्वारा आप अपने आप को कन्विंस करिए, अपने आप को समझाइए कि जो आपने सुना है, जो आपने सुना है उस श्रवण को आप बचाइए, मनन करिए, उस पर विचार करिए, उस विद्वता को जो आपने सुना। ऐसा नहीं कि आपने सुना जाके दूसरे को सुना दिया, हमारा काम पूरा हो गया, हमने सुना दूसरे को टारगेट कर दिया। हमने सुना, सुनने के बाद उसको आप पचाइए, इसको बोलेंगे मनन। विद्वत्तम अस्मात् परम आत्मा अनात्म विवेचनम। तो आत्मा अनात्मा का विवेक किया, अलग अलग किया। विवेचन मतलब विचित पृथक भावे धातु है, उसका अर्थ दो चीजें मिली आपके सामने हैं, आप उन चीजों को अलग अलग समझे। आपके सामने दो चीजें हमेशा मिलके रहती है, सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा, ऐसे मिक्सअप है इनका। आप उनमें से अपने विचार के द्वारा दोनों को अलग अलग समझें। दूसरा हो गया विवेचनम। फिर आता है स्वानुभव हो, उस विवेचन के बाद अब जिसे वेदांत में आप दूसरे तरीके से निधिध्यासन बोलते हो, स्वानुभव आपका अपना अनुभव हो जाता। अब तक जो शास्त्र में लिखा था, अब तक जो उपनिषदों में लिखा था, अब वो अनुभव, अब वो आपका अपना अनुभव हो जाता है। वो आपका अपना अनुभव हो जाता है, यह स्वानुभव शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों से गुरु के पास आया, गुरु से आपको मिला। लेकिन आपको पचना चाहिए, तो आपने उसको मनन करके अच्छी तरह से स्वानुभव कर लिया, वो अब आपका अपना अनुभव हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का आत्मा अनात्मा का विवेक किया और ये मालूम पड़ा आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला, जो विवेक करने वाला वो क्या है। आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला आत्मा है, ब्रह्म है, ये उसका जो स्वानुभव है। स्वात्मान स्वानुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, और उसके बाद उसकी उसमें स्थिति हो जाती, स्थित प्रज्ञ, जैसे भगवान ने गीता में बोला, उसकी उसमें स्थिति हो जाती है। ऐसी जो मुक्ति, ऐसी जो मुक्ति है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये मुक्ति है, मुक्तिर ना सत जन्म कोटि सुकृतै पुण्यै विना लभ्यते। ये जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, ये मोक्ष का भाव, ये मोक्ष की स्थिति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जब तक साधक के जीवन में करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य न हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य होने के बाद ही और अपना इस जीवन का प्रयास होने के बाद ही इस प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति जंतु को, मनुष्य को प्राप्त होती है। इस मंत्र में, इस मंत्र में शंकराचार्य जी ने कि कोई व्यक्ति कहां से मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, क्या क्या उसके बीच में रुकने की जगह है, कहाँ कहाँ वो रुकता है, क्या क्या उसको आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है, एक एक चीज को
पूरी वेदांत की साधना, पूरा का पूरा, पूरी प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, जन्म से लेकर एक मनुष्य के जन्म से लेकर के और मोक्ष पर्यंत भगवान शंकराचार्य ने पूरी की पूरी वेदांत की प्रक्रिया को इस मंत्र के अंदर में बता दिया। अब अगला मंत्र देखते हैं। नंबर 3, द्रुलभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। दुर्लभम त्रयम् एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। इसका अर्थ है कि 3 पदार्थ संसार में बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम बहुत कठिन साइज कठिनाई से मिलने वाले हैं, त्रयम् एतत् देवा अनुग्रह हेतुकम्, ये देवताओं के अनुग्रह के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। इन क्या है? मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुता और महापुरुष संशय, किसी महापुरुष की शरणागति। अर्थ आप फिर समझ लीजिए, इस संसार में सबसे कठिन दुर्लभ चीजें 3 है। बिना ईश्वर की कृपा के इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। वह है मनुष्यत्व, मुमुक्षुता और किसी महापुरुष का आश्रय। पीछे के मंत्र में आप विचार कर रहे थे, भगवान शंकराचार्य ने पूरी प्रक्रिया बताई एक साधक को, यात्रा कहां से शुरू करता है और कहां जाकर उसकी यात्रा पहुंचती है। ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर की कृपा अब आपके जीवन में कैसे काम करती है? 3 चीजें बहुत कठिन है, दुर्लभम त्रयम, 3 चीजें बहुत कठिन है। ये मंत्र बहुत बार कोट किया जाता है, बहुत बार बोला जाता है। हो सकता है हमारी धारणा में कुछ और दुर्लभ चीजें हो, कोई और पदार्थ हो जिन्हें हम बहुत दुर्लभ मानते हैं। ये चीज मिलना बड़ा कठिन है, ये व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है, ये तो जो भी हमने सोचा हो, शास्त्र को उससे कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य कहते हैं जीवन में जो सबसे कठिन चीज है व्यक्ति, एक तो मनुष्यत्व। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद उसके अंदर में मनुष्यता, मनुष्य के गुण। देह तो बहुतों को मिलता है, लेकिन मनुष्य का देह जिसलिए मिला गया, मनुष्य के देह के अंदर में क्या चीजें रखी जानी चाहिए, मनुष्य के शरीर में क्या रखा, मनुष्य का शरीर किस चीज का पात्र है, और उस पात्रता के हिसाब से उस मनुष्य के शरीर में उन चीजों को स्थापित करना, यह मनुष्यता है। तो मनुष्य का शरीर तो मिल गया, जन्म मनुष्य का मिल गया, लेकिन उस जन्म मिलने के बाद में उसके अंदर जो मनुष्य के अंदर गुण होने चाहिए, उन गुणों को प्राप्त करना, इसके लिए आपको भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है कि मनुष्य का शरीर मिलने के बाद और उस शरीर के अंदर में मनुष्य के जो गुण है, मनुष्यता, वह भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। एक बार। दूसरा है मुमुक्षुत्व। तो मनुष्य होने के जो गुण है वो भी प्राप्त हो जाए ईश्वर की कृपा से, और उससे भी ज्यादा ईश्वर की कृपा की आवश्यकता पड़ती है।
उस साधक के अंदर में मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की ऐसी इच्छा हो जैसे दूसरी इच्छाएं आपको शांत नहीं बैठने देती। किसी को धन प्राप्ति की इच्छा है, पद प्राप्ति की इच्छा है, प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा है, और वो व्यक्ति उस धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए निरंतर कोशिश करता रहता, दिन में भी रात में भी, सोने में जगने में, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर कोशिश करता रहता है। इससे भी ज्यादा तीव्र, इससे भी ज्यादा इच्छा मोक्ष की होनी चाहिए। आपने पढ़ा एक ऐसी तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो आपको शांत नहीं बैठने दे, जो आपको हमेशा ही उस तरफ लगा के रखे, ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। इच्छा होती है कई बार, वेदांत पढ़ लिया, कोई टेक्स्ट चल रहा है थोड़ा सुन लिया, लेकिन बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है सुन लिया। लेकिन मुमुक्षुता एक ऐसी चीज है जो आपको बेचैन कर, जो आपको शांत बैठने नहीं दे, ये मुझे प्राप्त करना है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से मुझे प्राप्त करना है। ऐसी जो मोक्ष की इच्छा है, ये बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं। और सबसे अंतिम में महापुरुष संश्रया, ये और कठिन काम है। महापुरुष संश्रया, ये कठिनाई आज की नहीं है, ये वास्तव में कठिनाई है। कई बार आपको लगता होगा आजकल महात्मा नहीं है, इतने अच्छे महात्मा नहीं है, जैसा हम दिमाग में सोचते हैं, जैसा किताबों में लिखा वैसा नहीं है, आजकल बड़ी तकलीफ है, ऐसा सवाल आजकल का नहीं है। जब ग्रंथ में लिखा है, शास्त्र कहते हैं, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। महापुरुष संश्रया, आप हम कई बार सोचते हैं कि पुराने समय तो चारों तरफ बड़े अच्छे अच्छे महात्मा भरे पड़े थे, बड़े ज्ञानी तत्ववेत्ता, ये समस्या हमेशा की है। महापुरुष संश्रया करते इस साधक के जीवन के एक बहुत बड़ा लक्ष्य, उसका ये सबसे बड़ा काम है, वो ढूंढे खोजे, और उसके बाद उस महापुरुष के संश्रया उसके आश्रय में बैठ, भरोसा कर, सरेंडर कर। प्रणतोस्मि शंकराचार्य लिखते हैं, सरेंडर, प्रणाम, समर्पण, उस महापुरुष के हर आदेश को मानने को तैयार, संश्रया। और उपनिषद शब्द का यही अर्थ होता है महापुरुष। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बोले हम तो ऐसा गुरु बनाते हैं जो है ही नहीं, सुनने की जरूरत नहीं। हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले देते जिसका शरीर भी नहीं, हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले देते जो कभी मिला भी नहीं, हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम समझ लेते दिमाग में जिससे हमारा संपर्क भी नहीं। प्रक्रिया कहती है महापुरुष संश्रय, उस महापुरुष का संश्रय इस साधक के लिए बहुत कठिन है, वो उसको अपना लक्ष्य पूरा करना पड़ता है उस महापुरुष की शरणागति में जाने के बाद। इसके लिए भी उसको ईश्वर की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। आप ढूंढे और संयोग परमात्मा बनाए, ईश्वर वो संयोग बनाए, इसके लिए आपका अकेला प्रयास काफी नहीं है, आपकी अकेली कोशिश पर्याप्त नहीं है, आपको इन चीजों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का अनुग्रह चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। बिना ईश्वर की कृपा के ये सब चीजें, तीन चीजें संभव नहीं है, मिल ही नहीं सकती।
इसलिए शिल शंकराचार्य जैसे महापुरुष जो भगवान के अवतार हैं, वो भी मंगलाचरण करते, ईश्वर की प्रार्थना करते। हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर की तो शास्त्र की कृपा भी होगी आपके ऊपर, वेदांत आपको मिल गया, वैदिक धर्म मार्ग परता ईश्वर की कृपा होगी। और महापुरुष संश्रया उस किताब को आप मार्केट से लेके पढ़ सकते हो, टीकाएं देख सकते हो, ट्रांसलेशन देख सकते हो, लेकिन उसके जो मीनिंग है, जो रहस्य है, वो महापुरुष के संश्रय में ही बाहर निकलते हैं। तो गुरु की कृपा भी हो गई, शास्त्र की कृपा भी हो गई, उस साधक के ऊपर में गुरु की कृपा भी हो गई, इन तीनों ही चीजों के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा भी आपको मिलती जो साधक नम्र होकर के प्रणाम करके इस साधना में लगता है, ईश्वर की कृपा भी उसको प्राप्त हुई, शास्त्र की कृपा भी मिली, शास्त्र भी उसको मिला, उपनिषद मिला। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, शास्त्र का अर्थ हुआ आप अभी उपनिषद ही समझे। वेदांत के इस संदर्भ में हम शास्त्र का केवल उपनिषदों तक ही समझे, फिर आप बाद में और बढ़ा सकते हो क्षेत्र को। ये तीन चीजें, ईश्वर की कृपा भी हो गई, शास्त्र आपको सुनने को मिल गया सही, शास्त्र की कृपा हुई, गुरु की कृपा भी हो गई। अब चौथा मंत्र भी देखें, लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुष्टम श्रुतिपार दर्शनम यस्त्वा तमुक्तौ नयते तमूढधि साहि आत्महा स्वयं विनहत असत ग्रहात। अर्थ देखिए, शंकराचार्य कहते हैं लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम, किसी ने बहुत किसी तरह से किसी व्यक्ति को मनुष्य का शरीर जो बहुत दुर्लभ था मिल गया। लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम, किसी तरह से मनुष्य का शरीर जो बड़ा दुर्लभ था उसको मिल गया। और जैसा पीछे लिखा था, शंकराचार्य इस बात को थोड़ा दोहरा रहे, जो आपने दूसरे नंबर श्लोक में पढ़ा उसी चीज को थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम, इसी तरह से उस व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिल गया, इसी को जो बड़ा कठिन था। तत्रापि पुष्टम, और वहां उसको निश्चय करने की बुद्धि भी प्राप्त हो गई। श्रुतिपार दर्शनम, जो पीछे आपको बताया गया था, वेदांत का श्रवण भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, ये सब चीजें मिल गई, यहां तक तो पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, मनुष्य का शरीर मिल गया, निश्चय करने की बुद्धि मिल गई, शास्त्रों का श्रवण मिल गया, जीवन में सात्विकता भी आ गई, लेकिन श्रुतिपार दर्शनम, वेदांत का श्रवण में मिल गया, वेदों का ज्ञाता भी हो गया, सब शास्त्र उसको मालूम है, वो ट्रांसलेशन भी कर सकता है, व्याख्या भी कर सकता है। श्रुतिपार दर्शनम, वेदांत के वेदांत वेद के अर्थों को ठीक से समझ भी गया, फिर भी यस्त्वा प्रमुक्तौ नयते, उसके बाद की प्रक्रिया जो व्यक्ति नहीं कर पाए, उसके बाद का जो, क्योंकि उसको आप श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन, वो मनन श्रवण तक तो पहुंच गया, वहां तक प्रक्रिया उसने पूरी कर ली, सुन भी लिया, किताबों से पढ़ लिया, वो भी श्रवण ही है, आपने अपने आप को सुना दिया,
और आजकल के इस टेक्नोलॉजी में आपने कहीं से सुन लिया, किसी डिवाइस से सुन लिया, कुछ भी संभव है, सब श्रवण है। लेकिन इस श्रवण करने के बाद में, श्रुति पार दर्शन के बाद में, यस्त्वा प्रमुक्तौ नयते मूलधि, जो व्यक्ति अपनी अपने आत्मा की उन्नति के लिए, अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, इतने सारे साधन होने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद, इसके पहले जो लोग हैं शंकराचार्य जी कहते हो तो एक सामान्य लोग है, वो तो भटके हुए लोग है, वो तो बहुत दूर है, उनकी बात अभी करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति श्रवण तक पहुंच गया, श्रुति पार दर्शन, लेकिन जिसने ये सब प्राप्त करने के बाद में यस्त्वात्म मुक्तौ नयते, जो अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता है, यहां के बाद अब आपके प्रयत्न शुरू होते हैं। यहां तक ईश्वर आपको खींच के लाया, ईश्वर ने आपको इतना यहां तक सब संयोग दिए, शास्त्र की कृपा मिली, गुरु की कृपा मिली, ये सब कुछ हुआ आपके लिए यहां तक। इसके बाद यस्त्वात्म मुक्तौ नयते, मूर्धी, ऐसा मूर्ख, ऐसा नासमझ, जो इतने साधन प्राप्त करने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। प्रयत्न का अर्थ है बहुत अच्छी तरह से, प्रयत्न का अर्थ है बहुत कोशिश पूर्वक, पूरा सब कुछ लगा करके, जो कुछ भी आपको मिला है आप पूरी शक्ति लगा के, पूरी ताकत लगा करके उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। यदि वो नहीं किया, शास्त्रकार यहां कहते हैं भंगराचार्य, साही आत्महर वह आत्महत्यारा है। शास्त्रों में आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है। स आत्महा वह आत्महत्या करने वाला है। आत्मा की हत्या करते, आत्मा का जैसा स्वरूप है आपने वैसा नहीं समझा, आपने नित्य को नित्य नहीं समझा, नित्य को अनित्य समझ लिया, अनित्य को नित्य समझ लिया, इस प्रकार से आपने कोई बंधन में डाल के रखा। स आत्महा वह आत्मा की हत्या करने वाला है, अपने आप को मारने वाला है, और किसलिए, असत गृहात, केवल कुछ असत, कुछ गलत आग्रहों के कारण, कुछ गलत निश्चयों के कारण उसने अपने आप को इस तरह से संसार में बांध के रखा। शंकराचार्य जी कहते हैं इस व्यक्ति से बड़ा अपराधी, इस व्यक्ति से बड़ा कोई पापी इस दुनिया में संभव नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसको सब मिला था, ईश्वर की कृपा मिली, गुरु की कृपा मिली, शास्त्र की कृपा मिली, इसने, इस मूढ़ ने, इस ना समझने अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं की, ऐसा व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। आज इस प्रवचन को अभी यहीं पर विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।